हेलो डियर स्टूडेंट्स, असी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। लास्ट टॉपिक दे विच असी डिस्कस किया सी कि इलैक्ट्रॉन एमिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलैक्ट्रॉन एमिशन, जिस दे विच थर्मियोनिक एमिशन की गल की सी, फील्ड एमिशन की गल की सी, ते फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन की गल की सी। तो यह चैप्टर जो है फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है कि जो मैटल सर्फेस के उपर लाइट फॉल करती है तो उस इलैक्ट्रॉन्स एमिट होंगे है, तो इस इफेक्ट को फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो जो इलैक्ट्रॉन्स मिट होंगे उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स को फोटो इलैक्ट्रॉन्स कहा जाता है। लास्ट लैक्चर के भी दसिया कि जो फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट है हर्ट्स ने फाइंड किया, डिस्कवर किया। हर्ट्स की ऑब्जरवेशन असी लास्ट लैक्चर के डिस्कस किया है। जो तुम लास्ट लैक्चर नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे रहा हाँ, पहला उस लैक्चर करो तो फिर इस लैक्चर समझना ईजी हो जाएगा। तो अज असी डिस्कस करना है जी इस टॉपिक के हेलवेक्स एंड लेनर्ड्स ऑब्जरवेशनस, कि ये दो साइंटिस्ट सी हेलवेक्स एंड लेनर्ड। इन्होंने कुछ होर डिटेल दे विच डिस्कस किया कि जो मैटल सर्फेस के उपर असी लाइट फॉल करवाने अल्ट्रा वायलट रेडिएशन फॉल करवाने तो जो इमिटर प्लेट है जो इलैक्ट्रॉन्स इमिट कर रही है उसनों असी इवैकुएटेड ग्लास ट्यूब दे विच प्लेस किया, ठीक है। दो इलैक्ट्रोड ले है तो जो इमिटर प्लेट के उपर अल्ट्रावायलट लाइट फॉल करती है तो उन्हें इलैक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो दूसरे इलैक्ट्रोड तक पहुँचते हैं तो उदो करंट फ्लो होंगे तो वह करंट असी नोट कर सकते हैं। तो करंट स्टॉप्स एज सून एज द अल्ट्रावायलट रेडिएशनस वर स्टॉप्ड, कि जो असी अल्ट्रावायलट रेडिएशनस नू स्टॉप करते हैं तो करंट नाल दी नाल बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि उस मैटल प्लेट के इलैक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जो सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। इमिटर प्लेट है, इमिटर प्लेट जो है इस दे उपर लाइट फॉल करती है तो इस दे विचों इलैक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, वो दूसरी प्लेट तक पहुँच रहे हैं। ये सारा जिहड़ी अरेंजमेंट है एक इवैकुएटेड ग्लास ट्यूब दे विच है तो इसनों एक्सटरनल सर्किट के नाल ज्वाइन किया गया कि इस सर्किट के विचों करंट जो है वह फ्लो करता है इमिटर प्लेट तो कलैक्टर प्लेट तक पहुँचते हैं। तो यह जो कलैक्टर है ये इलैक्ट्रॉन्स को कलैक्ट कर रहा है। तो हेलवेक्स के लेनर्ड ने यह ऑब्जर्व किया कि जो वो करंट है जो असी नोट कर रहे हैं वो किस तरह वेरी करता है विद फ्रीकुएंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट एंड विद कलैक्टर प्लेट पोटेंशियल, कि इस प्लेट में असी किस पोटेंशियल रखते हैं, इस प्लेट में असी जीरो पोटेंशियल रखते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हैं या नैगेटिव पोटेंशियल रखते हैं। हेलवेक्स ने 1888 के इस स्टडी नू थोड़ा जा होर डिटेल दे विच डिस्कस किया। उसने की किया जी एक नैगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट लई, उसनू इलैक्ट्रोस्कोप नाल कलैक्ट कर लिया। इलैक्ट्रोस्कोप सानू मैगनीट्यूड ऑफ चार्ज दसदा ना कि उसके उपर किन्ना चार्ज है। हुण उसने की ऑब्जर्व किया कि जदों असी जिंक की प्लेट नू जो नैगेटिवली चार्ज्ड है उसके उपर अल्ट्रावायलट लाइट फॉल करवाने, ठीक है, तो वह अपना जो नैगेटिव चार्ज है वह लूज़ करन लग पैंदी है तो वह जिंक प्लेट अनचार्ज हो जाती है। तो जे अनचार्ज प्लेट के उपर असी लाइट फॉल करवाने तो उनके उपर पॉजिटिव चार्ज आने लग पैंदा। जे उनके उपर फरदर असी अल्ट्रावायलट लाइट फॉल करवाने तो वह पॉजिटिव चार्ज इनक्रीज़ होंगे, इसका मतलब वो नैगेटिव चार्ज लूज़ कर रही है तो उसके उपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो जो उसके उपर असी अल्ट्रावायलट लाइट फॉल करवाते रहने तो उनके उपर पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा है वह इनक्रीज़ होंदा रहिंदा। इस दे नाल इलैक्ट्रोस्कोप लगाया तो इलैक्ट्रोस्कोप सानूं दसदा है कि नैगेटिव चार्ज का मैगनीट्यूड पहला घट रहा है फिर उसके उपर पॉजिटिव चार्ज का मैगनीट्यूड जो है वह बढ़ रहा है। तो इन्हों ऑब्जरवेशनस तो हेलवेक्स ने यह ऑब्जर्व किया कि नैगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर मिटेड फ्रॉम द जिंक प्लेट अंडर द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलट लाइट। तो उस तो बाद जो 1897 के क्लीयर होया कि ये जो पार्टिकल मिट हो रहा है ये इलैक्ट्रॉन है, जो थॉमसन ने इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो फिर यह पता लग्या कि इलैक्ट्रॉन एमिट हो रहा है इन्हां प्लेट्स दे विच्चों जो कि कलैक्टर वल मूव कर रहा है तो उस दे करके जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। हेलवेक्स ते लेनर्ड ने एक होर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया कि जो लाइट है उसकी जे फ्रीकुएंसी एक मिनिमम वैल्यू तो घट हो जाए, लैस हो जाए, भी इफ़ द वैल्यू फ्रीकुएंसी समॉलर दैन सम मिनिमम फ्रीकुएंसी विच इज़ कॉल्ड थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी, तो फिर फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट जो है ओबजर्व नहीं होंदा, तो फिर इलैक्ट्रॉन्स मिट नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि एक मिनिमम फ्रीकुएंसी है कि जिस दे बिलो जो सरफेस दे विच सरफेस दे उपर अल्ट्रावायलट लाइट फॉल करेगी तो उस दे विच नैगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स मिट नहीं होंगे, तो उस फ्रीकुएंसी नूं असीं थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी कहने हैं, ठीक है। तो कुछ मैटल्स है जिस तरह जिंक, कैडमियम, मैगनीशियम, इन्हां दे विच अल्ट्रावायलट लाइट फॉल करन ते नैगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स मतलब इलैक्ट्रॉन मिट होंगे है,
पर कुछ मेटल्स है जिस तरह के अल्कली मेटल्स है, जिस तरह सोडियम है, पोटाशियम है, सीजियम है, रुबीडियम है, ये इन्नी ज़्यादा सेंसिटिव है कि विजिबल लाइट इन्हों के उपर फॉल करे तो इलैक्ट्रॉन्स इमिट होने लग पेंदे है। ठीक है, तो जिन्ना भी इलैक्ट्रॉन मटीरियल्स के इलैक्ट्रॉन्स इमिट होंगे है विद लाइट, उन्होंने असं फोटो सेंसिटिव सबसटांसिज कहने हैं। दीज आर फोटो सेंसिटिव सबसटांसिज। तो जो इलैक्ट्रॉन्स इमिट होंगे जिमें कि पहले ही दसिया जा चुके हैं, दीज आर कॉल्ड फोटो इलैक्ट्रॉन्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। बाद फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट न बहुत डिटेल डिस्कस किया गया कि इसका असं एक्सपैरीमेंटल सैटअप की गल करते हैं। तो लेट अस सी, ये जो ट्यूब तुहानू नज़र आ रही है ये इवैकुएटेड ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इस दे उपर एक विंडो है कि जिस दे विचों लाइट एंटर करती है। तो इस सी मतलब ये एक एमिटर है जो फोटो सेंसिटिव सरफेस है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है। जिमें कि असी लास्ट पैराग्राफ दे विच दस्या सी कि मटीरियल्स है जिन्हां दे उपर लाइट फॉल करती है तो इलैक्ट्रॉन्स इमिट होंदे है। तो इन्हें उपर लाइट फॉल करेगी सूटेबल फ्रीकुएंसी की। ठीक है ना, कि फ्रीकुएंसी मस्ट बी ग्रेटर दैन थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी, कि जो लाइट की फ्रीकुएंसी थ्रैशहोल्ड तो घट है फिर तो इलैक्ट्रॉन्स इमिट होणगे ही नहीं ना। ठीक है, तो लाइट की फ्रीकुएंसी असी एडजस्ट करनी है अबव थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी ताकि फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट होवे। तो लाइट असी इन उपर फॉल करवा रहे हैं तो इन इलैक्ट्रॉन्स इमिट होंगे जी। देखो ये इलैक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं तो इलैक्ट्रॉन्स जो है कलैक्टर वाले पास मूव करते हैं। हुण इन दोनों के उपर ना पोटेंशियल असी डिसाइड करनी है जी। तो इत्थे देखो जी एक बड़ा कॉम्प्लीकेटड या तुहानू अरेंजमेंट नज़र आएगा क्रॉस नाल। तो दूसरे पासे असी नाल इहदे नाल एमीटर लगा रहे हैं। ठीक है, एमीटर दे नाल बैटरी लगा रहे हैं, इस साइड ते नैगेटिव शो कर रहा, इस साइड ते पॉजिटिव शो कर रहा। वोल्टमीटर लगा रहे हैं जी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। इस चीज़ नूं कहा जांदा जी रिवर्सिंग की या कम्यूटेटर। तो रिवर्सिंग की का की मतलब हुंदा है कि असी इस नूं इधर भी ज्वाइन कर सकते हैं तो इस नूं इधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब साडी मर्जी है कि जो ए प्लेट है इस दे उपर असी नैगेटिव पोटेंशियल देनी है कि पॉजिटिव पोटेंशियल देनी है कि जीरो पोटेंशियल रखनी है इस दे उपर। जे असी ज्वाइन नहीं करांगे तो जीरो पोटेंशियल है। जे असी ए प्लेट नूं नैगेटिव नाल ज्वाइन कर देंगे तो नैगेटिव पोटेंशियल, जे पॉजिटिव नाल ज्वाइन कर देंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल। असी पोटेंशियल अलग अलग रख के फोटो इलैक्ट्रिक करंट नोट करांगे। ठीक है, चलो वो बाद दी गल है जी। तो पहला तो जी इत्थे असी यह समझना है जी जो एक्सपैरीमेंटल सैटअप है जो लाइट फॉल कर रही है उस दे विच असी उसका की वेरी कर सकते हैं जी। तो असी उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकते हैं जी नंबर वन। ठीक है, फ्रीकुएंसी वेरी कर सकते हैं। ठीक है, जो असी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की है इत्थे वो वेरी कर सकते हैं बिटवीन प्लेट ए एंड सी। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ प्लेट सी चेंज कर सकते हैं कि असी डिफरेंट टाइप के मटीरियल यूज़ करके फोटो इलैक्ट्रिक करंट नोट कर सकते हैं। तो इत्थे असी अलग अलग ग्राफ प्लॉट करांगे जी। तो फस्ट ग्राफ है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलैक्ट्रिक करंट, कि असी फोटो इलैक्ट्रिक करंट नोट करांगे कि जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स इत्थे पहुँच रहे हैं उनके करके जो करंट फ्लो करता है जी थ्रू माइक्रो एमीटर उसनों असी फोटो इलैक्ट्रिक करंट कहने हैं। तो ग्राफ दे विच देखो जी एक साइड ते इंटेंसिटी वेरी कर रहे हैं, दूसरी साइड ते फोटो इलैक्ट्रिक करंट। तो असी देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि जिवें जिवें इंटेंसिटी वेरी करते हैं उवें उवें फोटो इलैक्ट्रिक करंट जिहड़ा वो राइज करता है। ठीक है, तो जो फ्रीकुएंसी असी सैट की है वो कॉन्सटेंट है जी, विच इज़ अबव थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी। हुण असी फ्रीकुएंसी नूं वेरी नहीं करना। ठीक है, कीपिंग द फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट कॉन्सटेंट। ठीक है, तो जो एक्सलरेटेड पोटेंशियल है दैट इज़ ऑलसो फिक्सड। इसनों एक्सलरेटेड पोटेंशियल कहा जाता है जो असी ए प्लेट पर अप्लाई कर रहे हैं कि उसनों भी असी वेरी नहीं करना। की ऑब्जरवेशन है जी साड़ी, तो असी इतने ऑब्जर्व किया कि फोटो करंट इनक्रीजिज लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट, कि जिस तरह असी इंटेंसिटी इनक्रीज़ करते हैं फोटो इलैक्ट्रिक करंट इनक्रीज़ करता है। ठीक है जी, तो इसनों फोटो इलैक्ट्रिक करंट एक्चुअली की है नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सैकेंड, कि किन्ने इलैक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं पर सैकेंड। ठीक है, नैक्सट है इफैक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलैक्ट्रिक करंट। हुण असी पोटेंशियल का इफैक्ट देखांगे, जे पोटेंशियल वेरी करिए तो फिर फोटो इलैक्ट्रिक करंट किस तरह वेरी करता है। लेट अस सी। तो देखो जी तुहानू ये ग्राफ नज़र आ रहा होएगा, ग्राफ दे विच ही तुहानू सारी गल समझ लग जाती है कि इस एक्सिस दे लोंग वाई एक्सिस दे लोंग असी फोटो इलैक्ट्रिक करंट प्लॉट कर रहे हैं। तो जो एक्स एक्सिस है उस दे
अलोंग असं पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हैं, मतलब इतने जीरो पोटेंशियल है, जो असं इस साइड पर जाने तो पॉजिटिव पोटेंशियल इनक्रीज हो रही है जो ए कलैक्टर प्लेट है, तो इस साइड पर जो रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब असं ए प्लेट पर रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तुम्हें डायग्राम तो पता लग रहा होएगा ए प्लेट जो है कलैक्ट कर रही है, ठीक है। इतने भुलेखा नहीं खाना कि सी कदे कलैक्टर कही जाऊँ जी, सी इज़ अमिटर, ठीक है, ए प्लेट इज़ कलैक्टर प्लेट। तो ए प्लेट की असं पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं कि ए प्लेट के उपर जीरो पोटेंशियल लगानी है, नैगेटिव पोटेंशियल लगानी है कि पॉजिटिव पोटेंशियल लगानी है। देखो जे इतने पॉजिटिव पोटेंशियल लगावेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल इलैक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, जिन्हें इलैक्ट्रॉन्स निकल रहे हो वह इनके तक पहुँचने ईजी हो जाएगा उन्होंने वास्ते। जे असी जीरो पोटेंशियल लगा रहे हैं तो उही इलैक्ट्रॉन पहुँचने जिन्हों को एनर्जी होएगी इतों तक ट्रैवल करन दी, ठीक है। तो जे असी नैगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करांगे तो फिर वो इन्हां इलैक्ट्रॉन्स नू स्टॉप करेगी, रोकेगी, ठीक है। तो फिर सिर्फ उही इलैक्ट्रॉन्स पहुँच सकते हैं जिन्हों को इन्नी ज़्यादा एनर्जी है कि वह इस दी रिपल्शन नू ओवरकम कर जाए, ठीक है। जो पॉजिटिव पोटेंशियल लगावेंगे तो वह अट्रैक्ट करेगी, जीरो पोटेंशियल कुछ नहीं करेगी जी, फिर इलैक्ट्रॉन अपने आप तक पहुँचने, तो नैगेटिव पोटेंशियल अपोज करेगी। तो हुण देखो जी इत्थे थ्री इंटेंसिटीज़ ते ग्राफ प्लॉट किया गया है कि तीन अलग अलग इंटेंसिटीज़ असं लै रहे हैं, आई थ्री, आई टू ते आई वन। आई थ्री इज़ ग्रेटर दैन आई टू इज़ ग्रेटर दैन आई वन। चलो ये सारे ग्राफ सिमिलर है जी, असं एक ग्राफ नूं स्टडी करते हैं आई वन वाले नूं। तो ग्राफ इस तरीके का है जी, ठीक है। इसका मतलब जो असी जीरो पोटेंशियल लगाई है तो कुछ फोटो इलैक्ट्रिक करंट है, ठीक है, कुछ फोटो इलैक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं ए प्लेट तक। हुण जदों असीं कलैक्टर ते पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो फोटो इलैक्ट्रिक करंट थोड़ा जिहा इनक्रीज़ हुंदा है, उदों बाद कॉन्सटेंट हो जाता है। इहदा मतलब की है कि जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स निकल रहे सी एमिटर प्लेट दे विच्चों वह सारे दे सारे कलैक्टर प्लेट तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। उस तो बाद जे तुसीं कलैक्टर की पोटेंशियल इनक्रीज़ करते जाओ पॉजिटिव पोटेंशियल तो फोटो इलैक्ट्रिक करंट इनक्रीज़ नहीं होएगा, समझ लगी। तो फोटो इलैक्ट्रिक करंट सैचूरेट हो जाता है, जिसनों कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन आ जाती है कि सारे इलैक्ट्रॉन पहुँचने लग गए जी, उस तो बाद हुण इनक्रीज़ होने की संभावना नहीं रही ना। हुण जे असी दूसरी साइड पर वेरी करते हैं जी, असी की करते हैं नैगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ए प्लेट पर जिंदे तक इलैक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं कलैक्टर प्लेट पर, तो स्लोली स्लोली की होंगे जी, देखो एक पोटेंशियल पर जाके फोटो इलैक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। इहदा मतलब असी इन्नी ज़्यादा नैगेटिव पोटेंशियल लगाती कि जो इलैक्ट्रॉन मैक्सीमम कनैटिक एनर्जी का सी ना तो वह भी हुण नहीं पहुँच सकता गा, असी उसनों भी स्टॉप कर लिया। तो इस तरह की पोटेंशियल असी स्टॉपिंग पोटेंशियल कहने जी, देखो ये नाम लिखा जी स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इनू माइनस वी नॉट नाल रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। इसनों स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं या इसनों कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। तो इसनों डिफाइन भी किया गया, देखो द मिनिमम नैगेटिव पोटेंशियल वी नॉट गिवन टू द प्लेट ए फॉर विच फोटो इलैक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज़ कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब वो मिनिमम पोटेंशियल है जिस जगह पर जाके फोटो इलैक्ट्रिक करंट जोड़ा है वह जीरो हो जाता है। तो इस तो ज़्यादा वैल्यूज जो असं अप्लाई करा फिर तो कोई चांस ही नहीं ना इलैक्ट्रॉन के पहुँचने का। इसका मतलब असी उस इलैक्ट्रॉन जो रोक लिया जो मैक्सीम कनैटिक एनर्जी का, तो वी नॉट पर आके इस माइनस वी नॉट पर आके तो मैक्सीम कनैटिक एनर्जी का इलैक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें असं इलैक्ट्रॉन की कनैटिक एनर्जी रिलेट करते हैं, तो मोस्ट एनर्जैटिक फोटो इलैक्ट्रॉन कनैटिक एनर्जी मैक्सीम तो किस दे इक्वल होएगी, वो होएगी जी ई इंटू वी नॉट। कनैटिक एनर्जी होंगी है जी वर्कडन दे इक्वल, तो वर्कडन होंगे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो हुण असी कितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वी नॉट मैगनीट्यूड दे विच इत्थे असी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इलैक्ट्रॉन दे उपर वी नॉट पोटेंशियल लगा रहे हैं तो कनैटिक एनर्जी मैक्सीम इज़ इक्वल टू ई वी नॉट। तो जे असी हायर इंटेंसिटी लवेंगे आई टू, तो हायर इंटेंसिटी ना सानू पता है जी लास्ट ग्राफ दे विच असी प्लॉट किया है कि फोटो इलैक्ट्रिक करंट इनक्रीज़ हो जाएगा। जे उस तो हायर लवेंगे जी तो फोटो इलैक्ट्रिक करंट होर इनक्रीज़ हो जाएगा, बट ग्राफ की शेप जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो दूसरी जिहड़ी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जरवेशन इत्थे नोट की कि जो असी इंटेंसिटी वेरी करते हैं तो हायर इंटेंसिटी ते भी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जरवेशन है कि हायर इंटेंसिटी ते भी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रही है। मतलब व्हेन वी इनक्रीज़ इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट तो जो इलैक्ट्रॉन्स मिट हो रहे हैं उन्होंने कनैटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पैंदा। तो जो इलैक्ट्रॉन्स मिट हो रहे हैं उन्होंने जो मैक्सिमम कनैटिक एनर्जी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनो कि कनैटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलैक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट।
ठीक है, ता ही स्टॉपिंग पोटेंशियल जी है हायर इंटेंसिटीज ले भी सेम है। ठीक है जी, तो नैक्सट ग्राफ के असं की करते हैं कि इतने इंटेंसिटी वेरी कर रहे हैं, सेम ग्राफ है जी बिल्कुल। इधर असी पोटेंशियल प्लॉट करा, इस साइड पर फोटो इलैक्ट्रिक करंट प्लॉट करा, इस साइड पर असी फ्रीकुएंसी चेंज करा, असी जो लाइट लवेंगे डिफरेंट फ्रीकुएंसीज की लवेंगे, इंटेंसिटी सेम रखा, इतने फ्रीकुएंसी सेम है। तो देखो जी नैक्सट ग्राफ, इस ग्राफ के फ्रीकुएंसी का इफेक्ट देख रहे हैं जी असी कि फ्रीकुएंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जोड़े किमें वेरी करते हैं। नोट करने वाली गल है कि हुण असी डिफरेंट फ्रीकुएंसीज लै रहे हैं, ठीक है, इंटेंसिटी सेम है। तो जे असी न्यू वन लैने इको ही एक फ्रीकुएंसी लैने तो उनका ग्राफ बिल्कुल सेम है जी, जो असी पहला प्लॉट कर रहे हैं, जो असी उपरले ग्राफ दे शेप वही रहेगी जी ग्राफ की। ठीक है, तो इत्थे देखो तो सेम कि जे असी कलैक्टर प्लेट की पोटेंशियल इनक्रीज़ करते हैं तो सैचुरेट हो जाता है जी, करंट कॉन्सटेंट हो जाता है। जे असी डिक्रीज़ करते हैं तो एक पोटेंशियल आती है जिसनों असं कहने जी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, जे असी फ्रीकुएंसी इनक्रीज़ कर दें, न्यू वन तो न्यू टू इनक्रीज़ कर दें, असी हायर फ्रीकुएंसी पर प्लॉट करते हैं तो असी देखते हैं कि जो करंट की सैचुरेशन है वो सेम है, सेम लैवल से सैचुरेट हो रहा है, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सानू ज़्यादा चाहिए है, तो वी नीड हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल टू स्टॉप दीज इलैक्ट्रॉन्स। तो जे असी फ्रीकुएंसी होर इनक्रीज़ करते हैं, देखो फ्रीकुएंसी इनक्रीज़ करती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नैगेटिव के होर इनक्रीज़ हो, तो वी नीड हायर वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इतों जी थानू दो गल्लां क्लीयर होंगे जी। देखो पहली गल तो यह कि जे इंटेंसिटी कॉन्सटेंट है, इतने इंटेंसिटी सेम है जी तीनों रेडिएशनस लई, फ्रीकुएंसी डिफरेंट है, जे इंटेंसिटी सेम है तो फोटो इलैक्ट्रिक करंट जो है सेम वैल्यू तो सैचुरेट हो रहा है, भावें डिफरेंट फ्रीकुएंसीज है, बट डिफरेंट फ्रीकुएंसीज लई स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। हुण जे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है तो सानू एक गल क्लीयर हो जाएगी वो कि जिहड़ी कनैटिक एनर्जी है एमिटेड इलैक्ट्रॉन की वो फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन ते डिपेंडेंट है। इत्थे सानू ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की जरूरत क्यों पई, क्योंकि हायर फ्रीकुएंसी लई जो इलैक्ट्रॉन एमिट हो रहा सी दैट इज़ ऑलसो ऑफ हायर कनैटिक एनर्जी। तो जिमें जिमें असी फ्रीकुएंसी इनक्रीज़ करते हैं इंसीडेंट लाइट की तो एमिटेड इलैक्ट्रॉन्स की कनैटिक एनर्जी इनक्रीज़ हो रही है, तो उस कनैटिक एनर्जी के इलैक्ट्रॉन रोकने लई सानू हायर नैगेटिव पोटेंशियल की जरूरत है। इसलिए असी जो फ्रीकुएंसी इनक्रीज़ की तो वी हैव डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स, हायर इज़ द फ्रीकुएंसी हायर इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट सैचुरेशन जो है करंट की वो सेम है क्योंकि वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। हुण देखो जी एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, लास्ट ग्राफ है जी साडा, जिस दे विच असी स्टॉपिंग पोटेंशियल ते फ्रीकुएंसी दे विच ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, इस साइड ते स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इस साइड ते फ्रीकुएंसी है। हुण इस तो पिछले ग्राफ दे विच असी ये दसता कि जिवें जिवें फ्रीकुएंसी इनक्रीज़ करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इनक्रीज़ करती है, तो इतने फिर असी डायरैक्ट ही ग्राफ प्लॉट करता। ठीक है ना, असी एक मैटल लई जी ए, तो जिस दे विच असी देखिया कि न्यू नॉट उसकी थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी है, उस तो बिलो फोटोइलैक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जिवें जिवें असी उस तो बाद फ्रीकुएंसी इनक्रीज़ करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नाल नाल इनक्रीज़ करती है, जिवें जिवें फ्रीकुएंसी इनक्रीज़ हो जाती है उवें उवें स्टॉपिंग पोटेंशियल इनक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जे असी दूसरी कोई मैटल लैने, ठीक है, असी मैटल चेंज कर देने, जिवें असी कहा सी कि असी कलैक्टर प्लेट एमिटर प्लेट भी चेंज कर सकते हैं, तो जे असी मैटल चेंज कर दें तो उन्दे विच भी असी सेम इफेक्ट देखते हैं कि फ्रीकुएंसी के इनक्रीज़ होने नाल स्टॉपिंग पोटेंशियल जिहड़ी है वो लीनियरली वेरी करती है। तो इसका मतलब है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट। एक्चुअल दे विच की हो रहा है कि जो असी फ्रीकुएंसी इनक्रीज़ करते हैं तो जो इलैक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन्हां दी कनैटिक एनर्जी इनक्रीज़ होंदी है, तो उन्होंने रोकने लई सानू हायर पोटेंशियल की जरूरत होंदी है। ठीक है, ठीक है, ऑब्जरवेशनस की है, द मैक्सिमम कनैटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स वेरी लीनियरली विद फ्रीकुएंसी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन। ठीक है, जिस तरह की ग्राफ दे विच शो किया गया, फॉर द फ्रीकुएंसी न्यू ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन लोअर दैन कट ऑफ फ्रीकुएंसी न्यू नॉट, जे असी न्यू नॉट तो घट फ्रीकुएंसी लैने नो फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन इज़ पॉसीबल, फिर फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन पॉसीबल नहीं है, तो इस न्यू नॉट नूं असी की कहने थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी, इसनों बार बार डिफाइन कर रहे हैं जी, मिनिमम फ्रीकुएंसी रिक्वायर्ड फॉर रिजैक्शन ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड थ्रैशहोल्ड फ्रीकुएंसी। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जरवेशन है जी फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट की कि टाइम लैग इज़ वेरी लैस, कि देर इज़ नो टाइम लैग एक्चुअली, कि लाइट स्ट्राइक करती है तो विद इन 10^9 सैकेंड, 10^9 सैकेंड देखो जी 1 नैनो सैकेंड का टाइम है, तो इसका मतलब है कि
ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਈ ਜਾਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦਾ 10⁻⁹⁹ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 4 ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੋਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰ ਅ ਗਿਵਨ ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਫਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਫੋਰ ਗਿਵਨ ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਇਫ ਹਾਇਰ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹਾਇਰ ਇਜ਼ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਫੋਰ ਗਿਵਨ ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਕੱਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਲਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਊ ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਿਲੋ ਵਿਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ। ਅਬਵ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਇਕੁਅਲੈਂਟਲੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਇਮਿਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਇਮਿਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਵਿਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਮਿਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਲੈਗ, ਕਿ 10⁻⁹ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਵੈਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਐਕਸੀਡਿੰਗਲੀ ਡਿਮ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਸਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਾਇਰ ਹੈ ਦੈਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਵੈਕਸ ਅਤੇ ਲੈਨਰਡ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਫੇਲਸ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਜੋ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਆਂਟਮ ਨੇਚਰ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।